शुरुआत करेंगे और देखेंगे फटाफट खबरें। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति गोटाबाया ने रानिल विक्रमसिंघे को किया वित्त मंत्री नियुक्त। विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति ने वित्त, आर्थिक स्थिरता और राष्ट्रीय नीति मंत्री के रूप में शपथ दिलाई। मारियोपोल में एक अपार्टमेंट से मिले 200 शव। रूस के सैनिकों ने औद्योगिक शहर पर किया कब्जा। रूस ने शहरों को घेरने और कब्जा करने में किए प्रयास तेज। तालिबान का नया हुकुम। तालिबान शासकों ने महिला पत्रकारों को चेहरा ढककर न्यूज प्रेजेंट करने का आदेश दिया। चेहरा ढककर महिला टीवी प्रस्तुत आएंगी ऑन एयर। फायरिंग से दहला अमेरिका का टेक्सास। स्कूल में फायरिंग से 19 बच्चों समेत 23 की मौत। 18 साल के हमलावर ने खुद को भी मारी गोली। राष्ट्रीय शोक घोषित। देश भर में पिछले 24 घंटे में 2124 कोविड-19 मामले दर्ज किए गए। संक्रमण से 17 लोगों की मौत की भी खबर। दुनिया भर में बढ़ रहे हैं मंकी पॉक्स के मामले। इसी हफ्ते इसराइल में भी मंकी पॉक्स के केस की पुष्टि हुई है। WHO के मुताबिक दुनिया के 20 देशों में 100 से ज्यादा मंकी पॉक्स के केस आ चुके हैं। अखिलेश यादव ने तय किए राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम। डिंपल कपिल सिब्बल और जावेद अली लिस्ट में शामिल। राज्यसभा में नामांकन दाखिल करने से पहले कपिल सिब्बल का बड़ा बयान। कहा 16 मई को दे चुका हूं कांग्रेस से इस्तीफा। वहीं नामांकन करने आए सिब्बल के साथ अखिलेश यादव रहे मौजूद। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर सियासत तेज। जातिगत जनगणना का समर्थन करेगी बीजेपी। JDU से किया वादा। कर्नाटक के मंगलुरु तक मंदिर मस्जिद विवाद। हलाली मस्जिद को मंदिर बताने के बाद सुरक्षा सख्त। 500 मीटर के दायरे में धारा 144 भी लागू। मशहूर शायर मुनव्वर राणा की तबियत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के SDPGI अस्पताल में भर्ती कराया गया। देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की बड़ी मुश्किलें। वीजा घोटाले मामले में ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में टली सुनवाई। सिविल कोर्ट में सुनवाई 31 मई तक टली। आगामी 1 जुलाई को प्रार्थना पत्र पर विधिवत रूप से सुनवाई होगी। ज्ञानवापी विवाद में नया केस हुआ फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर। हिंदू पक्ष की याचिका में गुंबद को ध्वस्त करने और पूजा करने की मांग। 30 मई को अब इस मामले में होगी सुनवाई। टेरर फंडिंग केस में यासीन मलिक की सजा पर बड़ा ऐलान। कोर्ट NIA ने अदालत से मांगी फांसी की सजा। पटियाला हाउस कोर्ट में सुनाई यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा। राज्यसभा चुनाव के नामांकन का दूसरा दिन। उम्मीदवारों के नामों को लेकर माथापच्ची जारी। कांग्रेस बीजेपी करेंगी बाड़ेबंदी। कांग्रेस सेवादल की आजादी की गौरव यात्रा ने राजस्थान से ली विदाई। शाहजहांपुर में धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन। PCC चीफ डोटासरा ने किया संबोधित। लालजी देसाई, शेखुंतला रावत, टीकाराम जूली रहे मौजूद। दिल्ली के नरेला में यूपी के मेरठ STF का एनकाउंटर। शातिर शाह शूटर संदीप उर्फ बसी गिरफ्तार। आरोपी के पैर में लगी गोली। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। अवंतीपोरा में जैश के 8 आतंकी गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार बरामद। श्रीनगर के अंचार इलाके में आतंकियों ने कादरी के घर के बाहर किया हमला। कादरी और उनकी बेटी को SKIMS अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। कश्मीर के बारामूला के सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी शहीद हो गया। राहुल भट्ट की मौत को लेकर जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का विरोध प्रदर्शन जारी। पंडितों ने लगाए हमें न्याय चाहिए प्रशासन हाय हाय जैसे नारे। लिथुआनिया आया यूक्रेन की मदद के लिए। लिथुआनिया ने किया बड़ा ऐलान। कहा यूक्रेन को देगा 20 बख्तर बंद गाड़ियां, 10 मिलिट्री ट्रक और 10 कार। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा। कंटेनर से टकराई बेकाबू कार। 4 की हुई मौके पर मौत। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे। असम बाढ़ में मरने वालों की संख्या 26 तक पहुंच चुकी है। 7 जिलों में 5,80,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हो गए हैं। कोटा में देवा गुर्जर हत्याकांड को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। हत्याकांड की CBI जांच की मांग। गवाहों को धमकाने के भी लगाए आरोप। झुंझुनू के सुल्ताना में बेखौफ बदमाशों का आतंक। व्यापारी के साथ दुकान में घुसकर मारपीट। नकाबपोश बदमाशों ने की वारदात। CCTV कैमरे में कैद हुई करतूत। SpiceJet का सर्वर डाउन। जयपुर से जाने वाली 5 फ्लाइट की उड़ान अटकी। एयरपोर्ट पर यात्रियों ने किया हंगामा। SpiceJet की केवल 1 फ्लाइट हो सकी है संचालित। महंगाई को कम करने को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। खाद्य तेल के आयात पर कस्टम ड्यूटी की खत्म। कृषि बुनियादी ढांचा विकास सेस भी खत्म किया। चीनी के निर्यात पर भी लगाया प्रतिबंध। आज से शुरू हो गया है नौतपा, लेकिन 1-2 दिन कम ही दिखाएगा सर। आज पूर्वी राजस्थान के 10 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। 27 मई से पश्चिमी राजस्थान में चढ़ेगा पारा।
प्रतापगढ़ के देवगढ़ में 3 दिवसीय गायत्री माँ यज्ञ के तहत कई धार्मिक आयोजित किए गए। पहले दिन शहर में कलश यात्रा निकाली गई, महिलाओं ने कलश धारण कर यात्रा की शोभा बढ़ाई। आबू रोड के आकरा भट्टा में बहुमंजिला इमारत का निर्माण कार्य बिना भू रूपांतरण के जारी, सूचना मिलने पर नगरपालिका अधिकारी मौके पर पहुंचे। सिरोही में भीषण गर्मी की वजह से अस्पताल में बड़ी मरीजों की संख्या बता दी कि मरीजों में सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, बदन दर्द जैसी बीमारियां देखने को मिल रही हैं। बोली में पेयजल समस्या को लेकर भाजपाइयों ने एसडीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपाइयों ने एसडीएम बद्री नारायण मीणा को ज्ञापन सौंपा, बीसलपुर पेयजल सप्लाई दुरुस्त करवाने की मांग की गई। सूरतगढ़ के होलसेल प्रतिष्ठान पर देसाई बीड़ी कंपनी ने की छापेमारी, छापा मारकर मौके पर नकली देसाई बीड़ी के पैकेट जब्त किए गए। नकली उत्पाद बेचे जाने की शिकायत मिली थी। दौसा के सिकराय में प्रशासन कामों के संग शिविर का हुआ आयोजन, शिविर प्रभारी जनक सिंह ने जनसमस्याओं को सुनाकर मौके पर निस्तारण भी किया। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत 9 साल के बाद पकड़ा चोरी का आरोपी। मंडावरा की सोनी हवेली में की थी चोरी, चुराई थी लाखों रुपए की नकदी और जेवरात, सीआई भवरलाल कुमावत ने दी जानकारी। श्री गंगानगर के रायसीनगर में ट्रक और बाइक की टक्कर होने से बाइक सवार की मौत हो गई, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को मोर्चरी में रखवाया, घटनास्थल का मुआयना किया गया। बांसवाड़ा के कलेक्टर सभागार में स्वास्थ्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न चिकित्सा विभाग की योजनाओं और कार्य की प्रगति पर समीक्षा की गई। प्रतापगढ़ में मध्य प्रदेश में युवक की हत्या के मामले में आरोपी पक्ष ने एसपी को सौंपा ज्ञापन, सुरक्षा की मांग की गई। बांसवाड़ा के महावीर इंटरनेशनल केंद्र ने निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण केंद्र के 3रे सत्र में शुभारंभ किया। इस अवसर पर महावीर शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर महावीर जैन ने केंद्र के इस प्रयास की सराहना की। चूरू में शहरों के संग अभियान के तहत वार्ड नंबर 16, 18 और 19 के शिविर का आयोजन किया गया। 80 वर्षीय पार्वती देवी को पट्टा मिला, वही शिविर में 37 पट्टे वितरण किए गए। धौलपुर के सेफऊ में बेकाबू होकर पलटा बजरी से भरा ट्रैक्टर, ट्रॉली नीचे दबकर चालक हुआ गंभीर घायल, आसपास के लोगों ने नीचे दबे युवक को निकाला बाहर, राजकीय हॉस्पिटल में कराया भर्ती। चूरू के बागला बालिका विद्यालय में समाज सेवा शिविर के 9वें दिन की शुरुआत योगा और व्यायाम के साथ हुई, शिविर में छात्राओं ने श्रमदान भी किया। प्रतापगढ़ में पुलिस ने अवैध वाहनों की रोकथाम के लिए चलाया अभियान, अभियान के दौरान पुलिस ने नाकाबंदी करते हुए 50 से ज्यादा वाहनों के काटे चालान, जुर्माना राशि की वसूल। कांग्रेस के युवा नेता रजलानी सरपंच पारस गुर्जर ने भोपालगढ़ का दौरा किया, युवाओं की समस्याओं को सुनकर समाधान का आश्वासन भी दिया। भोपालगढ़ में 31 मई को एक शाम शहीदों के नाम पर विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। पोस्टर का विमोचन पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़, रजलानी के युवा सरपंच पारस गुर्जर ने किया, बद्रीराम जाखड़ भी पहुंचे। बूंदी के प्रारंभिक शिक्षा विभाग के कार्यालय में शिक्षक भर्ती परीक्षा की प्रथम श्रेणी की हुई काउंसलिंग, चयनित अभ्यर्थियों ने अपने मनपसंद स्कूलों का चयन किया, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक गिरिराज राठौर संग अन्य लोग मौजूद रहे। जोधपुर में विश्व हिंदू परिषद ने किया धर्मांतरण का विरोध, रोटरी क्लब में प्रेस वार्ता आयोजित करके धर्मांतरण पर प्रभावी कड़ा कानून बनाने की मांग। बीकानेर में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ का धरना प्रदर्शन जारी, एडिशनल विषय में स्नातक अधिक स्नातक कर चुके अभ्यर्थियों को पदोन्नति में शामिल करवाने की मांग। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नियुक्त जिला निर्वाचन अधिकारी शौकत हुसैन पहुंचे मेड़ता मोटर्स पेट्रोल पंप पर, उनका साफा माला व मोमेंटो देकर अभिनंदन किया गया। श्रीगंगानगर में विधायक गौड़ और प्रचार्य ने किया मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण, अधिकारियों को दिए जल्द कार्य पूरे करने के निर्देश। रियाबड़ी के जसनगर में जैन संतों का हुआ मंगल प्रवेश, जसनगर में कबूतर के लिए दाना डालने के लिए कबूतर हाउस का उद्घाटन किया जाएगा। जयपुर के सांगानेर में 7 दिवसीय श्रीमद भागवत कथा का आयोजन किया गया, दादी सरपंच गीता चौधरी और ब्रजेश लाटा सहित ग्रामीण मौजूद रहे। जयपुर के सांगानेर में कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज ने दर्जन जगहों पर शिविर लगवाए, शिविर में 3,000 लोगों ने खाद्य सुरक्षा चिरंजीवी योजना सहित सरकारी योजनाओं में नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी। गोपालगढ़ के सरकारी अस्पताल में 2 करोड़ की लागत से बन रहे ट्रॉमा सेंटर का निर्माण कार्य जोरों पर है, बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पाली के पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ के प्रयासों से जनता को ये सौगात मिलेगी। नागौर की रियाबड़ी में उपखंड मुख्यालय पर कलश यात्रा निकाली, जहां ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर कलश यात्रा का स्वागत किया। जयपुर के मुआना गांव में सांसद रामचरण बोरा ने तेजाजी के स्थान पर किए दर्शन, अच्छी बरसात से प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की।
सवाईमाधोपुर की बोली में रोडवेज की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों शवों को कब्जे में लेकर बोली सीएससी की मोर्चरी में रखवाया। जैसलमेर में 3 साल में 6 बार अस्पताल की पीएमओ बदल चुके हैं। पीसी सिंह शासन सचिव ने डॉक्टर जे आर पवार को जवाहर अस्पताल का पीएमओ नियुक्त करने का आदेश दिया है। झुंझुनू में हुआ प्रशासन गांवों के संग अभियान के फॉलोअप कैंप का आयोजन, इस दौरान जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी ने शिविर का किया औचक निरीक्षण। नागौर में मनरेगा संविदा कर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पशु प्रदर्शनी स्थल पर धरना प्रदर्शन दिया। इस दौरान मनरेगा संविदा कर्मियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पाली में नगर परिषद सभापति रेखा भाटी, उनके पति राकेश भाटी पेयजल संकट को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने पैदल जयपुर के लिए रवाना हुए। कहा कि जयपुर पैदल जाकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर समस्या के स्थायी समाधान की मांग करेंगे। सीकर के नीमका थाना में तेज अंधड़ और बारिश से फुटवेयर कंपनी की छत पर लगी 200 वर्ग फुट सोलर पैनल प्लेट उखड़कर जमीन पर आ गिरी, जिससे बड़ा हादसा होते होते टला। विद्युत विभाग और एफआरटी टीम ने मौके पर पहुंचकर विद्युत लाइन को दुरुस्त किया। अलवर के किशनगढ़ बास में नरेगा श्रमिक महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। राजीव गांधी सेवा केंद्र पर समस्याएं लेकर पहुंची महिलाएं, प्रधान बीपी सुमन और एसडीएम गंगाधर मीणा से समस्या के समाधान की रखी मांग। जोधपुर के भोपालगढ़ में शहरवासियों ने पानी की समस्या को लेकर एसडीएम कार्यालय के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। उपखंड अधिकारी हवाई सिंह यादव के सामने रखी समस्या, नई पाइपलाइन डालने की रखी मांग। डूंगरपुर के दोबड़ा थाना इलाके में संदिग्ध हालात में मिला 49 वर्षीय अधेड़ का शव, पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा शव, मामला दर्ज कर शुरू की जांच। दौसा के सिकराय में बिजली निगम अधिकारियों के खिलाफ ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, निगम अधिकारी पर संतोषजनक जवाब न देने का आरोप लगाया। झुंझुनू में नवनिर्मित श्याम मंदिर में देव प्रतिष्ठा का होगा आयोजन। मंदिर में 20 मई से चल रहे धार्मिक कार्यक्रम, बाबा के दरबार का भव्य श्रृंगार, इत्र वर्षा, छप्पन भोग की झांकी और नृत्य नाटिका भी होगी। राजसमंद में मार्बल ब्लॉक से भरे ट्रेलर और ट्रक में जबरदस्त टक्कर हो गई, गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि 2 लोगों को मामूली चोटें जरूर आई, उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। अलवर के किशनगढ़ बास में प्रशासन शहर के संघ शिविर का आयोजन किया गया। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी महेश कुमार गुर्जर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, नपा वॉइस चेयरमैन साक्षी वशिष्ठ पार्षद मनीष लखियानी मौजूद रहे। धौलपुर में चोरी की नियत से घर में घुसे दो गया चोर, मालिक पर किया हमला, सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच जारी है। सिरोही में राजस्थान क्रिकेट संघ और जिला क्रिकेट संघ के तत्वावधान में ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर कैंप का आयोजन किया गया। 120 खिलाड़ी प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे हैं, 29 जून को समाप्त होगा यह प्रशिक्षण शिविर। चौमू में चोरों ने 2 मकान को बनाया अपना निशाना, मकान से जेवरात से नकदी चुराकर हुए फरार, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। बोली में आरएएफ की 83 बटालियन ने कमांडेंट प्रवीण कुमार सिंह के निर्देशन में किया फ्लैग मार्च, निरीक्षक मुकुट मिहारी जोरवाल के अतिरिक्त अन्य अधिकारी गण और कर्मियों ने लिया भाग। स्वागत है ब्रेक के बाद, रुख करेंगे सीकर जिले का। दरअसल यहां पर बिन मौसम बरसात ने बिगाड़ दी शहर की यातायात व्यवस्था, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देसूरी में ब्रेक फेल होने से बेकाबू ट्रोला पहाड़ी से टकराया, टकराने के बाद ट्रोला सड़क पर पलटा, हादसे में 2 लोग हुए घायल, अस्पताल में इन्हें भर्ती करवा दिया गया है। नागौर में किसानों को डीएपी के मूल्य में वृद्धि से खेती करने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, कटाई सहित खेती किसानों के लिए श्रमिकों को भी अब ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में आयोजित हुई 5वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान के 11 खिलाड़ियों ने भाग लिया, चूरू के कबीर ने राष्ट्रीय में रजत पदक जीता। इस अवसर पर जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने बधाई देकर इनका स्वागत किया। चित्तौड़गढ़ जिले के बेंगू थाना पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाइयों में भारी मात्रा में मादक पदार्थ पकड़ा, पुलिस ने दोनों ही मामलों को एनटीपीसी एक्ट में दर्ज कर गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। जयपुर के बस्सी क्षेत्र के बांसको कस्बे के घर के बाहर खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई, आग से कार पूरी तरह जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण माना जा रहा है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर जिला क्लब के अधीन चलने वाले तरणताल को अब शहरवासियों के लिए खोल दिया गया, दरअसल नाम मात्र के शुल्क के तरणताल में आने वालों को स्विमिंग सिखाई जा रही है। जोधपुर की कायलाना झील के पास पुलिस चौकी का निर्माण कार्य जारी, इसके निर्माण के लिए बजट में 15 लाख रुपए का बजट भी जारी किया गया। गर्मी के सीजन में जोधपुर की प्रसिद्ध झील कायलाना खासी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, पर्यटन सीजन में सैलानी तो स्थानीय लोग भी इस झील में आकर पूरा आनंद उठाते नजर आ रहे हैं। भरतपुर में पकड़े गए 8 बांग्लादेशियों को जेल भेजा गया, इन सभी के पास फर्जी आधार कार्ड मिलने की बात सामने आई, अब इन्हें वापस बांग्लादेश भेजने की कार्रवाई की जाएगी।
जैसलमेर में बीएसएफ के जवानों को गर्मी से राहत पहुंचाने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले 3 कूलर्स लगाए गए। इन रेगिस्तानी इलाकों में स्थित बीएसएफ के ऑब्जर्वेशन वॉच टावर पर इनको लगाया गया। झालावाड़ के झालापाटन के पीटीएस सेंटर में 15वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। आईडीजी संजीव कुमार नौजरी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। धौलपुर के बाड़ी की कसाई पाड़ा मोहल्ले में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में पत्थरबाजी और फायरिंग हुई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। कोतवाली थाना पुलिस लोगों से पूछताछ कर मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। सूर्यदेव के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते नौतपा शुरू हो गया। ऐसे में आगामी 9 दिनों तक तेज गर्मी रहेगी। मानसून की राह देखते किसान और ज्योतिषों का मानना है कि नौतपा में गर्मी ज्यादा पड़ती है तो उस साल बारिश अच्छी होती है। बीकानेर में 2000 का इनामी बदमाश सलमान भुट्टो गिरफ्तार। सलमान पर 25 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज। एसपी योगेश यादव ने दी जानकारी। जैसलमेर के रामदेवरा में पानी की किल्लत के चलते ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 1 महीने से गांव धानियों में पानी नहीं हुआ सप्लाई। लोगों ने कई बार अधिकारियों को समस्या से अवगत भी करवाया। बूंदी में एसीबी की ओर से ट्रैप किए गए वार्ड पार्षद रोहित बैरागी के मामले में बीजेपी कार्यकर्ता और पार्षदों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सभापति के इस्तीफे सहित उन्हें निष्कासित करने की मांग की। सुमेरपुर का बड़ा जवाई बांध अब पूरी तरह सूखने के कगार पर। बांध से पानी की सप्लाई अब कई शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग बंद हो गई। नगर पालिका अध्यक्ष ललित रांकावत ने ट्यूबवेल पर विद्युत कनेक्शन कर पानी की सप्लाई शुरू की। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र में लाठखेड़ा हनुमान मंदिर पर एक पंचायत में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी भाटा जंग हुई। मारपीट में दोनों पक्ष के आधा दर्जन लोग घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। राजसमंद के आमेठ कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी पेयजल संकट गहराता जा रहा है। फाउंडेशन संस्था ने प्रत्येक पंचायत पर 2 नलकूप लगाने की योजना बनाई है। योजना का शुभारंभ प्रसिद्ध संत अवधेश चैतन्य ब्रह्मचारी महाराज के आश्रम से किया गया। मशहूर बॉक्सर विजेंद्र सिंह पहुंचे जेडीए। जेडीए आयुक्त रवि जैन से उन्होंने मुलाकात की। जेडीए से संबंधित मामले पर चर्चा भी की गई। जैसलमेर में अनियंत्रित होकर पलटा ट्रैक्टर पलटने से 1 की मौत, 3 जने घायल हो गए। सूचना से पहुंची पुलिस सब मामले की जांच कर रही है। लादू के महिला कॉलेज में भामाशाह राज अजीत सिंह चौड़िया ने पहल की। पानी का होत और प्याऊ के लिए भूमि पूजन किया गया। ब्यावर में अमृत को चिकित्सालय की मेडिकल रिलीफ सोसायटी सदस्यों ने लाइफ लाइन ड्रग स्टोर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्टोर पर कई खामियां मिली। रीढ़वाना के मौलासर में मनरेगा संविदा कार्मिकों का धरना लगातार जारी है। भर्ती नियमितीकरण सहित अनेक मांगों को लेकर किया जा रहा है आंदोलन। नारेबाजी कर सरकार के खिलाफ जताया गया है रोष। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़।